हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। पढ़ रहे क्लासेज, अपना चैप्टर टू चल रहा था बच्चों। चैप्टर टू का लेक्चर एक हो चुका है। उस लेक्चर वन में आपने क्या किया अभी तक? हमने चैप्टर टू को ब्रेक डाउन किया, तीन पार्ट में ब्रेक डाउन किया। वो तीन पार्ट क्या क्या आपके चैप्टर के सर? वो तीन पार्ट हमारे हमारे जो चैप्टर का नेम था एसिड बेसिस एंड सोल्ट, अपने टॉपिक का नाम था, इसको अपने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। वो किए थे आपने सर, एक तो एसिड बेस हो गया था, एक सोल्ट हो गया था। इसके अलावा सर हमने एक पीएच पार्ट डिवाइड किया था तीन पार्ट में इसको। तो एक बार चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा। यस सर, वी आर प्रेजेंट। ठीक है, जल्दी से फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। कल जो किया था एसिड बेस के बारे में डिस्कस किया था, आज बात होगी पीएच की और पीएच की इंपोर्टेंस की। सभी को गुड इवनिंग। नवनीत, अभिनव, मासूम, तन्नू, ज्योत्सना, रमन और कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं एक बार चैट बॉक्स में अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। यस सर, वी आर प्रेजेंट। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने देखा था इसकी प्रॉपर्टी बात की थी। किस किस की सर? एसिड बेस की प्रॉपर्टी की बात की थी। इनकी हमने क्या पढ़ी थी सर? प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी थी अपनी, वो भी देखेंगे। पीएच क्या होता है और पीएच की इंपोर्टेंस क्या होगी, ये बात करेंगे। और सोल्ट, कौन कौन से सोल्ट हैं, उन सोल्ट के नेम, उन सोल्ट के नेम क्या है, उन सोल्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी, बनाएंगे कैसे उन सोल्ट को, वो बात करेंगे प्रिपरेशन की। और एक होगा सोल्ट के यूजेस क्या होंगे, उनके यूज क्या होंगे, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सोल्ट, नेम एंड फॉर्मूला। चैप्टर को पता लग गया आपका, चैप्टर में डिस्कस क्या क्या करना है। एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर टू है ये। इसके अंदर एसिड बेस उसकी प्रॉपर्टी, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, फिर सोल्ट और बीच में पीएच, एसिड बेस की पीएच कैसे क्या आएगी, एसिडिक पीएच कितनी होगी, बेसिक कितनी होगी, न्यूट्रल कितनी होगी, और सोल्ट की पीएच की बात करेंगे, एसिडिक और बेसिक की पीएच की बात होगी, वो सारी। प्रॉपर्टी में आपने क्या क्या नोट किया अभी तक का? सर प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले एसिड बेस को डिवाइड किया था। एसिड बेस को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है सर। फिर देखा था किस तरह एसिड और बेस में कॉमन बात क्या क्या थी और डिफरेंस क्या था। एसिड में हमने नोट किया था कि सर ये स्टोर इंटेस्ट होता है, ये स्टोर होता है, जबकि ये बीटर होता है। आपके टिप्स पर हो जानी चाहिए केमिस्ट्री सर। ये जो होता है एसिड, वो वाटर में, एसिड्स वाटर में, और सर एसिड वाटर में क्या देता है, H+ देता है, जबकि ये वाटर में OH नेगेटिव देते हैं। और क्या नोट किया था सर हमने? और नोट किया था ये ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, जबकि ये वाले रेड को ब्लू किए करते हैं, ब्लू में लिटमस को चेंज कर देते हैं, ये बात आपने की थी। इसके अलावा सर फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मुश्किल हो जाता है जब रिएक्शन आती है एसिड और बेस की। रिएक्शन में आप इसको ऐसे कीजिएगा कि सर एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो मेटल का खुद मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, उस मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेटल के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन देंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में, और इधर लिख देते हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में, इधर लिख देते हम एसिड की, एसिड की नेचर एसिडिक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे करेंगे, जबकि यहां पे आप क्या बात करेंगे, जो बेस है वो ये मेटल ऑक्साइड के साथ में करेगा, क्योंकि हमारा मेटल ऑक्साइड ये क्या नेचर होती है, बेसिक होती है। यहां पे भी क्या बोलेंगे, इस मेटल की नेचर वो क्या है सर, बेसिक नेचर है। इसकी नेचर क्या है, ये बेसिक है। फिर इसको क्या कहेंगे सर, ये भी तो बेसिक नेचर का हमारा, ये वाला मेटल ऑक्साइड, तो ये तो बेसिक हो गया, हमें एसिडिक नेचर का चाहिए, तो हम क्या लेंगे, तो हम यहां पे लेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड NMO, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे। और इसके अलावा क्या थी, इसके अलावा आपकी रिएक्शन थी लास्ट सिक्स्थ, एसिड की रिएक्शन मेटल के, एसिड की रिएक्शन मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में, MHCO3, मेटल का बाइकार्बोनेट, ये HCO3 वीक एसिड है, ये मेटल बेसिक होगी, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो हम बोल सकते हैं इसकी ओवरऑल नेचर क्या होगी सर, इसकी ओवरऑल नेचर बेसिक होगी। इसकी एक और रिएक्शन होती है, हम बात करेंगे कि एक और रिएक्शन जो है उसको कैसे लिखेंगे सर, उसको भी हम करेंगे क्या, एसिड की रिएक्शन किसके साथ में सर, मेटल के कार्बोनेट MCO3 के साथ में, इस बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों की नेचर क्या होती है, ये भी बेसिक नेचर का होगा, इनकी रिएक्शन होगी, हमेशा ध्यान रखना, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में और बेस रिएक्ट करेगा सर एसिड के साथ में। तो बताइए जरा आप, इधर क्या है सर, ये एसिड है, ये मेटल बेसिक नेचर है,
तो एसिड में क्या होता है सर, HCl होता है और यहाँ मेटल है बेसिक नेचर का, तो ये मेटल क्या रिलीज करेगा, निकालेगा यहाँ से, ये मेटल इसका सोल्ट बना लेगा। यहाँ एसिड में क्या है, एसिड में H है, एसिड में क्या आपका सर, एसिड में H है, हम लिख सकते हैं सर यहाँ पे एसिड का H है, इस एसिड का ये क्या है सर, ये H है, इस एसिड का क्या है सर, यहाँ पर H है, हम बात करेंगे एसिड का H सर, ये H जब ये मेटल और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल इस जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे एसिड था HCl तो H बच गया और Cl, Cl और मेटल में मेटल क्लोराइड बनेगा और मेटल का सोल्ट बनेगा, हम लिख सकते हैं सोल्ट क्या बनेगा सर, सोल्ट बनेगा और सोल्ट के साथ में, सोल्ट के साथ मैंने लिख दिया S से, सोल्ट आपका है S से सोल्ट है, मेटल और ये क्लोरीन ये क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन बच गया तो क्या गैस रिलीज होगी, आप लिख देंगे सर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस किसके साथ में होती है, पॉप की साउंड में रिलीज आएगी आपको, जब आप इसको बर्न करके देखेंगे पॉप की साउंड आएगी। यहाँ पे एसिड है, ये मेटल है, आपको दिखाई दे रही है मेटल, यस सर हमें मेटल दिखाई दे रही है, अगर आपको ये मेटल दिखाई दे रही ना, ये वाली मेटल, तो मेटल तो सोल्ट बना लेगी, मेटल तो क्या बना लेगी, सोल्ट बना लेगी, और क्या रह गया सर, और दो चीजें रहेगी, एक तो ये हाइड्रोजन रहेगी और एक ये ऑक्सीजन रहेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, इसका मतलब जब मेटल लेंगे तो हाइड्रोजन, और जब मेटल ऑक्साइड तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगी सर, ये वाटर बनाएगी, वाटर बनाएगी। उसके अलावा ये एसिड है, ये मेटल का बाई कार्बोनेट लिया आपने, एसिड और मेटल का बाई कार्बोनेट लिया, तो ये जो मेटल है इस एसिड के, एसिड में क्लोराइड हो सकता है, एसिड में सल्फेट हो सकता है, बाई सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मेटल इसके साथ में क्या बनाएगी, मेटल बनाएगी, हमेशा मेटल सोल्ट, मेटल क्या बनाएगी, तो हम लिखेंगे क्या सर, मेटल तो सोल्ट लिखेगी, मेटल का तो हम लिख दिया S, जो CO3 दिखाई दे रहा है ये बनाएगा CO2, ये बनाएगा CO2, और ये H और इसका एक ऑक्सीजन बच गया, ये H और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा सर, ये M, ये एसिड सोल्ट बनाया, ये M और ये एसिड ये सोल्ट बनाया, ये M ये एसिड ये सोल्ट बनाया, मेटल हो, मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का बाइकार्बोनेट हो, और मेटल का क्या हो, और बच्चों मेटल का चाहे क्या हो आपका कार्बोनेट हो, हर केस में आपका सोल्ट बन रहा है, मेटल एसिड सोल्ट, मेटल M एसिड सोल्ट, M मेटल एसिड सोल्ट, ये फिर M मेटल एसिड और सोल्ट बनाया, ये कॉमन था आपका। इसके अलावा क्या था सर, इसके अलावा M सिर्फ M था तो सिर्फ सोल्ट, इधर हाइड्रोजन बच गया तो सर हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, इधर क्या था सर मेटल था और ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, अब की बार पानी बन जाएगा H2O, इधर क्या कहेंगे सर ये मेटल का तो सोल्ट बन गया था, इसकी हाइड्रोजन है और इधर CO3 है, ये CO3 तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी सर, ये CO3 तो ये वाली जो CO3 है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या होगा सर, और जो आप सोच रहे हैं ये हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन बच गया, ये एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये क्या बना लेगा सर, ये वाटर बना लेगा, ये वाटर बना लेगा, जैसे कि ऊपर वाटर बनाया था, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, इधर भी क्या कहोगे सर, ये मेटल ये एसिड तो ये क्या बनाएगा सोल्ट बनाएगा, अगर ये मेटल ये एसिड ये सोल्ट बना लेगा, तो सोल्ट बनाने के बाद आप कैसे लिखोगे इसको सर, ये मेटल ये एसिड ये सोल्ट, ये मेटल ये एसिड ये सोल्ट, ये मेटल ये एसिड ये सोल्ट, मेटल एसिड सोल्ट, ये तो तय है। उसके बाद मेटल एसिड के इधर क्या बच गया, H बच गया तो हाइड्रोजन, इधर H, इधर मेटल के अलावा क्या बच गया O, तो H और O पानी बन गया, इधर मेटल के अलावा क्या चीजें बच गई, इधर का तो H बचा हुआ है, इधर H और CO3, CO3 का तो CO2, ये जो H और ये जो O बच गई वो क्या बना लिया आपने, वाटर बना लिया, सेम क्या कहोगे सर, मेटल एसिड सोल्ट, इधर हाइड्रोजन बचा हुआ है, इधर CO3 है, ये CO3 किस में जाएगा सर, CO3 आपने बताया ना, CO3 CO2 बनेगा, अगर CO3 का CO2 बनेगा और क्या बच गया सर, और वही बच गया ना, इधर H इधर CO3 में से एक और बच गया तो सर वाटर, तो हमने लिख सकते हैं क्या लिख दिया हमने, हमने लिख दिया बच्चों यहां पे वाटर, अगर वाटर आपने लिख दिया तो बताओ क्या आपकी आज ये रिएक्शन बिल्कुल पक्के अच्छे से हो चुकी है, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यस सर चैट बॉक्स में लिख दिया एसिड की रिएक्शन क्लियर है। अब मैं आपको रिएक्शन दूंगा, आप पहचान जाओगे ये मेटल के साथ में एसिड है, मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड है, या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड है, या मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड है, तो आप देख लेना इसको, चेक कर लेना कि मेटल के साथ में क्या लगा, अकेली मेटल है उसका ऑक्साइड है, उसका बाइकार्बोनेट है, या फिर उसका कार्बोनेट है, अकेली मेटल है तो सोल्ट हाइड्रोजन मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड है तो सोल्ट और ये ऑक्साइड उस हाइड्रोजन के साथ में पानी निकालेगा, मेटल का बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट में एच CO3 है तो CO3 में से CO2 निकल गया और एक H और O और एक H उसका तो क्या हो जाएगा पानी निकलेगा, और नीचे कार्बोनेट में भी क्या कहेंगे CO3 है तो CO3 क्या निकालेगा CO2, एक इसकी ऑक्सीजन और एक उधर से हाइड्रोजन की H वो पानी निकालेंगे, हमारी रिएक्शन याद होगी है, मेटल एसिड हाइड्रोजन सॉल्ट, मेटल एसिड सोल्ट हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड एसिड सोल्ट पानी, मेटल बाइकार्बोनेट एसिड तो सर मेटल का बनेगा सोल्ट और CO2 वाटर, मेटल कार्बोनेट एसिड सर मेटल का सोल्ट बनेगा और CO2 और वाटर। क्या आपकी रिएक्शन सारी क्लियर है? एसिड आपका कंप्लीट है। इसके अलावा बच्चों आपका बेस जब आता है तो सर बेस, ये मेटल भी बेसिक नेचर की होती है? नहीं बच्चों, सारी मेटल बेसिक नेचर की होती है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर होती है, अगर एम्फोटेरिक है इसका मतलब स्पेशल बन गया। ये कुछ मेटल क्या होती है, कुछ मेटल एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है सर? जो एसिड और बेस दोनों हो, जैसे एम्फीबिया पढ़ते हो आप, एम्फीबिया बोले फ्रॉग, और फ्रॉग बच्चों अर्थ पे भी यानी कि लैंड पे भी और पानी में भी और वाटर में भी दोनों जगह मेंढक रह सकता है। ड्यूल नेचर है, डबल नेचर है, जिसको एम्फीबिया बोले एम्फ ए एम पी एच, यहाँ पे भी ए एम पी एच लगा हुआ मैं, जो दोनों को बिहेव करेगा यानी कि एसिड और बेस करेगा। तो लिखेंगे कुछ मेटल क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। जो मेटल एम्फोटेरिक होंगी वही बेस के साथ रिएक्शन करेंगी। जब बेस के साथ होगा तो ये एसिड बन जाएंगी। जब ये एम्फोटेरिक बेस के साथ मिलोगे तो ये मेटल एसिडिक नेचर शो करेंगी, तब उस टाइम पे बेसिक नेचर शो नहीं करेगी। मेटल बेसिक नेचर कब शो करेंगी? जब उसके सामने एसिड होगा। कुछ ही मेटल है, दो ही मेटल है, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक है, यही दो याद कर लो। तो हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक में एल्यूमिनियम और जिंक मेटल क्या है, ये हमारी सर एल्यूमिनियम और जिंक जब बेस के साथ में रिएक्शन होगी तो वही सोल्ट बनाएंगी। मैं बना देता हूं जिंक का क्या सोल्ट बनेगा, वो बनेगा बच्चों Na2ZnO2 बनेगा, और एल्यूमिनियम का क्या बनेगा AlZnO2 बनेगा, सॉरी Al और क्या बनेगा NaAl सोडियम एल्यूमिनेट ये बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब मेटल लोगे और एसिड लोगे तब भी हाइड्रोजन, मेटल लोगे बेस लोगे तब भी हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कॉमन हो गया। एसिड बेस का डिफरेंस के साथ साथ में आप कॉमन भी पढ़ रहे हैं। कॉमन क्या पढ़ा आपने सर? कॉमन पढ़ा ना हमने कि मेटल एसिड के साथ में हो या मेटल बेस के साथ में हो, जब वो रिएक्शन करेगी तब वो दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस, ये देखिए आप, यहां पर भी मेटल ने एसिड के साथ में हाइड्रोजन, और यहां पर भी मेटल ने बेस के साथ में भी हाइड्रोजन गैस निकाली है। तो आप बता सकते हैं, इसका नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नेम मैं लिखने जा रहा हूं, ये होता है सोडियम, ये हो गया जिंक और ZnO2, इसको बोले सोडियम, ये एल्यूमिनियम का सोल्ट, तो इसका नाम लिखते हैं सोडियम जिंकेट, ZinCat, जिंकेट, इसको लिखेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, लिखेंगे इसको एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट। इसको सर आप क्या करते हैं, इसको Na लिख देते हैं, नीचे वाले का Na2 कर देते हैं। इसको मैं कैसे बताता हूं, देखो एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, दो ऑक्सीजन पर -4, तो -4 हो गया। जिंक पर +2 चार्ज होता है, तो -4 और +2 कितना बच गया, -2, इस पे तो कितना है -4, इस पे कितना +2, तो कितना बच गया सर, प्लस का 2 बचना चाहिए, तो ये प्लस का 2 इसका हो गया। इसका +2 कैसे आया, क्योंकि एक सोडियम पर +1 होता है, दो सोडियम पर +2, जितने पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज आपको बैलेंस करना है। इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट नेगेटिव चार्ज माइनस का 4 है, तो पॉजिटिव कितना बचना चाहिए, माइनस प्लस का 4। जिंक पर +2 होता है, तो सोडियम कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक सोडियम पर +1 रखता है, तो दो सोडियम +2। इधर क्या कहोगे सर, सेम इधर रखेंगे, जबकि ऑक्सीजन वही रहेगा, -4 रहेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, दो ऑक्सीजन पर -4। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, तो कितना बचा, माइनस का 4, प्लस का 3 हो चुका है। अब की बार सोडियम आपको एक ही लेना है, एक ही +1 रखना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव को, तो ये एक ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोडियम को एक लिया। तो सोडियम एल्यूमिनियम नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम जिंकेट इसका नाम हो गया बच्चों। ये आपने देखी एसिड की रिएक्शन, देखी बेस की रिएक्शन, देखी। अब कोई कहे कि बताओ क्या ये वाली रिएक्शन आप बता सकते हैं, यस सर हम बिल्कुल बता सकते हैं, इस रिएक्शन में कोई खास नहीं। क्या चीज है सर, ये बेस है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का मेटल का OH बेसिक नेचर होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये नॉन मेटल क्या था यहां पे, नॉन मेटल जब भी लोगे वो एसिडिक नेचर का हो गया। अब नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है तो क्या कहिए सर, जब नॉन मेटल ऑक्साइड लिया ना आपने तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अगर ये एसिडिक नेचर का हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसे होगी, आप बनाओगे क्या, सोल्ट और वाटर बनाओगे। सर इसका एग्जांपल बताओ ना, इसके नीचे मैंने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा मैंने, आप समझ जाओगे सर ये बेस है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो फिर ये क्या है, ये CO2 सर, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये C कार्बन, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर, और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, क्या बनेगा सोल्ट प्लस वाटर बनेगा सर, एसिड और बेस में सोल्ट प्लस वाटर बनता है। कैल्शियम का क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में क्या होगा, साथ में बच्चों वाटर बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। आपने स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी सी CO2 पास की तो क्या कहेंगे हम, लेस CO2, क्या कहेंगे, अगर लेस CO2 पास की है तो क्या कहेंगे, अगर सर कम कार्बन डाइऑक्साइड पास की है तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होगा, ये बच्चों उसमें घुल जाएगा सॉल्यूशन में, सोल्यूबल हो जाएगा और मिल्की कलर देगा, तो हम कहेंगे ये सोल्यूबल है और घुल गया, और घुलने के बाद जो कलर आएगा वो मिल्की कलर आएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, और दूधिया कलर के अंदर बच्चों अगर आपने अगर फर्दर अंदर CO2 पास कर दी, अगर फर्दर आगे एक्सेस या तो शुरू में ही बोल देगा वो, अगर लेस अमाउंट में कम अमाउंट में CO2 लिया है तो मिल्की कलर आएगा, और अगर आपने एक्सेस में लिया है एक्सेस में तो क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा अगर CO2 ली है वो पास कर दी उसने तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस टू, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में वाटर बनेगा। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो होता है बच्चों ये इनसोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, और अगर इनसोल्यूबल है तो हम कहेंगे इसका पीपीटी बनेगा, और बच्चों अगर पीपीटी बनेगा तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये हो गया सोल्ट बन गया, ये तो पीपीटी बन गया, और पीपीटी नीचे बैठ जाएगा तो सॉल्यूशन कलर लेस हो जाएगा, कम CO2 पास करेंगे तो मिल्की कलर है, ज्यादा CO2 पास करेंगे तो ज्यादा सोल्ट बन के नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे ज्यादा, क्योंकि कम में तो CaCO3 घुलता रहेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अब ज्यादा CO2 पास करोगे तो ज्यादा सोल्ट बने, ज्यादा सोल्ट होकर नीचे सेटल हो जाएगा, सारा सोल्ट नीचे बैठ जाएगा, सारा व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, तो जब CO2 कम पास करी तब तो सफेद कलर दिखाई देगा आपको, ज्यादा CO2 पास करेंगे जो भी सफेद कलर के पार्टिकल बने थे जो भी सोल्ट सारे धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वापिस से आपका सोल्यूशन कलर लेस हो जाएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जामिनर पूछेगा तो इसका कलर कैसा होगा, अगर ज्यादा CO2 पास करेंगे तो वो कलर लेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कलर लेस हो जाएगा, तो ये बात खास हो जाती है, मैंने फिर से स्टार लगा दिया इसको, इसको फिर से स्टार लगा के मैंने क्या बताया, ये बताया इंपॉर्टेंट बताया कि अगर अगर आपने अगर आपने अगर आपने क्या किया है, अगर आपने कम CO2 गैस पास की है तो कम CO2 गैस में क्या बोलेंगे सर, कम CO2 गैस के अंदर से कम CO2 गैस के अंदर सॉल्यूशन कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, मिल्की कलर होगा, दूधिया कलर होगा, और अगर ज्यादा CO2 पास करेंगे तो सर वो दूधिया का दहिया नहीं बन जाएगा, वो क्या होगा, वो पीपीटी बन जाएगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। अब बताओ बच्चों यहां तक का ये सारा क्लियर है क्या आपका, बताओ इसकी क्या रिएक्शन आगे हो सकती है, क्या किसके सर, ये जो और बेस है आपके सामने, क्या अगर मैं बेस लूं और बेस की रिएक्शन आप मेटल के बाइकार्बोनेट लो या मेटल के कार्बोनेट लो, क्या इनके साथ में इसकी रिएक्शन होगी, सर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ये बेसिक नेचर के हैं, ये लिखा तो आपने ये मेटल बाइकार्बोनेट, जब भी एच लगाओ बाइक लगाओ बेसिक नेचर है, ये भी बेसिक नेचर है, तो सर ये एक बेस है और ये वाले बेस है, तो सर बेस बेस में रिएक्शन नहीं होगी, और सर रिएक्शन नहीं होगी तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगी, गिवन नहीं होगी तो सर हमारे काम की नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, आप कट कर सकते हैं इसको। बताओ एसिड बेस की रिएक्शन मैंने दोबारा से करवाई आपको, रिवाइज करवाई, क्या आपको सारी रिएक्शन क्लियर है, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर मजा आ गया ना चैट बॉक्स में तो लिख दीजिएगा सर मजा आ गया और हमारी सारी रिएक्शन क्लियर है एसिड बेस की। अब मैं आपको रिएक्शन दूंगा, ये मैंने कांसेप्ट समझाया, अब कांसेप्ट को आप ढूंढना, क्या ये मेटल का कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, मेटल है, उसका ऑक्साइड है, वो एसिड है, वो बेस है, वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन किसके बीच में चल रही है, ये जज आपको करना पड़ेगा। एक बार लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, यस सर बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा सर, समझ में आ गया, कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, एसिड बेस का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, मजा आएगा, आप अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिख दी बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन जो कि इस तरह से है, आपने लिया HCl लिया और HCl की रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ में, जिंक ये HCl आपका एक एसिड है और जिंक आपका मेटल है, और जिंक आपका मेटल है और मेटल दोनों नेचर की होती है, जिंक ये क्या है, इंपॉर्टेंट मेटल है, एल्यूमिनियम और जिंक ऐसी मेटल है जो एम्फोटेरिक होती है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव शो करेंगी, जब इनके सामने एसिड होगा तो ये बेस बन जाएगी, आज इनके सामने एसिड है तो ये मेटल बेस बन जाएगी, इस टाइम पर इस रिएक्शन के अंदर ये मेटल आपकी बेस बन चुकी है, और मेटल मेटल और एसिड की रिएक्शन में, मेटल और एसिड की रिएक्शन में क्या बोलोगे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सोल्ट क्या बनेगा, जिंक और क्लोरीन का बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ये आपका क्या है, सोल्ट है और ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज है, ये रिएक्शन कौन सी है सर, ये रिएक्शन ये वाली है बच्चों, एसिड लिया आपने, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाई और मेटल बेसिक नेचर
नेचर का, एसिड एसिडिक नेचर का, सोल्ट और हाइड्रोजन, ये मैंने इस तरह टाइप की रिएक्शन कराई जो मैंने यहाँ पे लिया। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में कैसे आपने क्या बनाया, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्शन आपके सामने है, आपने एक एसिड लिया HCl लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी जिंक ऑक्साइड के साथ में करवा दी। और जिंक ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं सर, बेसिक होते हैं। अगर बेसिक होते बच्चों, ये क्या है सर, ये एसिडिक नेचर का है, क्या बनेगा, ऑक्सीजन आ गया ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा सर, ये ऑक्सीजन, ये जो जिंक है, जिंक किसके साथ में बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा सर, जिंक क्लोराइड तो सॉल्ट हो गया ना। और सर ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा सर, इस ऑक्सीजन के साथ में ये बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा वाटर। पहले सिर्फ मेटल थी इसलिए खाली हाइड्रोजन आई थी, आज मेटल के साथ में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। ये रिएक्शन का है, ये रिएक्शन आपकी फिफ्थ रिएक्शन है। आपने कोई एसिड लिया, मेटल का ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर बनके तैयार है। थर्ड रिएक्शन आपके सामने आ रही है, थर्ड रिएक्शन आपने लिया, कोई एसिड लिया और एसिड के रिएक्शन करवाई मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में, HCl लिया, NaHCO3 लिया, ये मेटल है, ये मेटल है, ये बाइकार्बोनेट दिखाई दे रहा है और ये आपका क्या एसिडिक नेचर है। और मैंने बताया इस सॉल्ट के अंदर HCO3 जो है ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड से है। और बच्चों ये कार्बोनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड से आता है, और जबकि सोडियम आया है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो बताओ इसकी ओवरऑल नेचर क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल नेचर होगी वो अल्कली होगी, वो बेसिक नेचर का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या बताएंगे सर, ये हमारा जो हो जाएगा ओवरऑल सर, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। मतलब रिएक्शन किसके बीच में बच्चों सर, रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, ये पूरे को बोलेंगे बेस। तो क्या बनेगा सर, सोल्ट बनेगा, सोल्ट क्या उनसे बनेगा सर, Na दिखाई दे रहा है, Cl दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे NaCl बनेगा, यानी कि सोल्ट बनेगा। और इसके अलावा क्या होगा सर, इसके अलावा जो CO3 है ये टूटेगा CO2 में, और जो बाकी बच गया सर, इसका एक ऑक्सीजन बच गया ना और ये हाइड्रोजन बच गया, तो CO3 में से CO2 गया, CO3 में से CO2 गया, ये एक H ये बच गया, एक O ये बच गया, एक H ये बच गया, H2 बन गया और एक O यहां पे सर, ये वाटर बन गया। इसका मतलब सर सोल्ट वाटर और CO2 बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन है सर हमारी, ये बच्चों थर्ड रिएक्शन है। ये थर्ड रिएक्शन कहां है, ये थर्ड रिएक्शन आपकी यहां पे है, ये वाली रिएक्शन है, एसिड की रिएक्शन, MHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट, सोल्ट CO2 और वाटर, ये रिएक्शन है। अब कौन सी आती है, अब ये वाली रिएक्शन आती है मेटल के कार्बोनेट के साथ में। लिखेंगे आप लोग क्या चीज सर, HCl लिया और मेटल का कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है सर, CO-2-3 होता है, CO-2, तो -2 को बैलेंस करने के +2 चाहिए, और एक सोडियम पर +1 चार्ज होता है तो सोडियम 2 चाहिए, Na2, यहां पर HCO3 पर -1 चार्ज होता है, -1 के लिए +1 चार्ज चाहिए, एक सोडियम लेंगे, एक सोडियम पर +1 होता है सर। इसकी रिएक्शन हम कंटिन्यूसली करवाएंगे। ये भी क्या है सर, ये जो आया है ये सोडियम, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और ये किससे आया सर, ये वीक एसिड से आया है। ओवरऑल सर इसकी नेचर क्या होगी, वो बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि सर एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस की पावर ज्यादा होगी तो बोलेंगे बेसिक, जबकि ये एसिड है, ये रिएक्शन एसिड और बेस की है तो बनेगा सर सोल्ट बनेगा। वो सोल्ट कौन सा बनेगा सर, वो सोल्ट NaCl बनेगा, वो सोल्ट हमारा क्या बनेगा सर, वो सोल्ट NaCl बनेगा, और NaCl हम लिख देंगे NaCl सोल्ट बनेगा। उसके एक्स्ट्रा अलावा क्या है सर, उसके अलावा जो दिख रहा है वो हमें ये CO3 दिखाई दे रहा है, इस CO3 से बोलेंगे CO2 बनेगी, और साथ में इस CO3 में एक ऑक्सीजन यहां पे है, हाइड्रोजन यहां पे है, तो क्या बोलेंगे सर, यहां पे पानी भी बनेगा, पानी भी क्या होगा, यहां पर वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। क्या आपको रिएक्शन क्लियर करनी आ गई, आपको लिखनी आ गई रिएक्शन, ये बताओ ये रिएक्शन चार्ट आपको समझ में आया क्या, ये रिएक्शन चार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया गया, जगह-जगह रिएक्शन दी गई है, क्या आप एनसीईआरटी की रिएक्शन संभाल सकते हैं, आपके पेपर में आएगा, आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये मेटल है या वो एसिड है या वो बेस है, या वीक एसिड है या वो वीक बेस है, सोल्ट है तो वो वीक एसिड वीक बेस का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, आपको जज करनी चाहिए उसकी क्या, उसकी नेचर, आपको उसकी नेचर आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अगर आपने उसकी नेचर फाइंड आउट करनी सीख ली तब आप निकाल सकते हैं क्या क्या उसके रिएक्शन को आप संभाल सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा एसिड बेस का लगभग पोर्शन हमारा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब अपनी बात होती है किसकी, पीएच की, पीएच एंड इट्स इंपोर्टेंस, पीएच क्या होती है और उसकी इंपोर्टेंस। तो मैं लिख देता हूं पीएच क्या है, पीएच बच्चों ये पीएच को मैं पीएच को ऐसे लिखता हूं, पीएच क्या है, एच यहां पे एच प्लस
आयन है और एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यानी कि जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना ज्यादा एसिड होगा, जितना एच प्लस कम होगा उतना एसिड कम होगा, एच प्लस ज्यादा तो ओ एच कम, एच प्लस ज्यादा एसिड ज्यादा, एच प्लस ज्यादा ओ एच कम बेसिक कम। सर एच प्लस ज्यादा होगा एसिड ज्यादा होगा हम बोल सकते हैं, तो पी का मतलब आगे लगा हुआ है, पी का मतलब क्या होता है, जब भी पी वर्ड आए तो बोलेंगे पी का मतलब सर माइनस लोग, पी का मतलब क्या माइनस लोग, एच लगा हुआ है तो सर हम बोल सकते हैं एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। तो आप बताएंगे क्या सर पी का मतलब माइनस लोग होता है, बताओ अगर एच प्लस ज्यादा है, एच प्लस ज्यादा है, अगर एच प्लस ज्यादा है तो पीएच क्या आएगी कम आएगी, क्योंकि सर माइनस साइन लगा हुआ ना, मतलब अगर किसी की एक वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर एच प्लस बहुत ज्यादा है यानी कि नेगेटिव में बहुत ज्यादा है तो पीएच उसकी कम बन जाएगी, एक वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर एच प्लस साइन कम है, अगर एच प्लस साइन कम है इसका मतलब उसकी पीएच क्या हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि एच प्लस आयन कम है। तो आप बोल सकते हैं कि सर एच प्लस आयन ज्यादा इसके बेस पे बोलेंगे, इस फॉर्मूला के बेस पे। एक और होता है पीओएच होता है, ये काम के नहीं है, नीचे वाले तीन लिख रहा हूं ये काम के नहीं है लेकिन थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पीओएच क्या होगा सर माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन की कंसेंट्रेशन पीओएच बोलते हैं। एक होता है बच्चों पीकेए, ये क्या होता है के यानी कि एसिडिक कांस्टेंट, के जो वीक एसिड होते हैं उसका टूटने की दर, जो कि स्ट्रांग एसिड तो 100% टूटेंगे जबकि वीक एसिड होंगे वो कम ब्रेक डाउन होंगे, तो उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी कुछ, जो क्योंकि जो स्ट्रांग एसिड होते हैं उनकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 100% ब्रेक डाउन होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली टूटेगा, आपने 1 लिया तो 1 की 1 टूटेंगे, 100 लिया 100 के 100 टूटेंगे, जबकि वीक एसिड लोगे तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, सारे नहीं टूटेंगे, 100 में से एक दो टूट गया 10 टूट गए तो उनकी वैल्यू 1 से कम आएगी, उस वैल्यू को क्या कहते हैं KA बोलते हैं, यानी कि KA तो हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ KA, ये होता है काम के नहीं है बस समझने के लिए। अगला लिखा है कि PKB, PKB B का मतलब बेसिक है, K का मतलब कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो वीक बेस को कितना आगे तक लेके जा रहा है, कितना ब्रेक डाउन करवा रहा है, कितना उसको डिसोसिएट करवा रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ क्या, माइनस लॉग ऑफ KB हो जाएगा, ये आपको पता लग गया। मतलब आपका ध्यान कहां होना चाहिए सर, ध्यान होना चाहिए हमारा इस पर, पीएच क्या होगी सर इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है, अगर सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये इसके अंदर एच प्लस बहुत ज्यादा है, एच प्लस बहुत ज्यादा है, आगे साइन नेगेटिव लगा हुआ, इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगी, पीएच बहुत कम हो जाएगी सर, एच प्लस ज्यादा पीएच कम, अगर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एच प्लस बहुत कम है, एच प्लस कम है, एच प्लस कम है, नेगेटिव साइन लगा इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, अगर यहां साइन पॉजिटिव लगा होता ना तो एच प्लस ज्यादा पीएच ज्यादा होती, एच प्लस कम तो पीएच कम होती, लेकिन इसके साइन में क्या होता है माइनस साइन होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखना बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना कि जिस सॉल्यूशन की मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, लिख देता हूं द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द सॉल्यूशन, हम लिख देते हैं इसको द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन क्या वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन हायर एच प्लस कंसंट्रेशन व्हिच कंटेन हायर ज्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, किसी सॉल्यूशन में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट सॉल्यूशन हैव लोअर पीएच वैल्यू, हैव लो पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी, लो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू कम आएगी, अगर किसी सॉल्यूशन में क्या कहेंगे और इसकी पीएच कम आएगी तो हम लिखेंगे एक स्टार ले लेते हैं कि एच प्लस आयन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे एरो बना के उसकी पीएच की वैल्यू कम आएगी तो क्या होगा, पीएच कम आएगी तो क्या होगा, पीओएच की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर किसी सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन, वो कह दे OH आयन ज्यादा है, अगर OH आयन ज्यादा है तो क्या कहेंगे, OH आयन ज्यादा है तो POH उल्टा होगा, इसका कम हो जाएगा, अगर OH आयन ज्यादा है तो PH क्या हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, PH ज्यादा हो जाएगी। क्या ये किसी को डाउट है, डाउट पूछे इसमें, H+ ज्यादा है तो PH कम है, H+ ज्यादा तो PH कम, H+ अगर ज्यादा है, H+ ज्यादा है नेगेटिव साइन लगा तो PH कम, H+ ज्यादा है तो PH कम, और PH कम तो एसिड ज्यादा, H+ ज्यादा और H+ ज्यादा एसिड अच्छा होगा बैड होगा, तो हम लिखेंगे गुड एसिड, जो बढ़िया एसिड होगा
होगा, गुड एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, गुड की बजाय इसको स्ट्रॉन्ग एसिड लिखेंगे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो एच प्लस आयन ज्यादा देगा, एच प्लस आयन ज्यादा होंगे पीएच कम होगी, पीएच कम होगी पीएच ज्यादा होगी। यहां लिख देते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या कहेंगे, ओएच आयन ज्यादा देगा, क्योंकि बेस ओएच रहता है, ओएच ज्यादा पीओएच कम, पीओएच कम यानी कि पीएच ज्यादा, इसका मतलब इसका कुछ इस टाइप से बनने जा रहा है। तो हमने पीएच का स्केल बनाया, पीएच का स्केल क्या बनता है आपका, पीएच का स्केल बना था, वो बना आपका पीएच प्लस पीओएच से, पीएच स्केल पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल में पीएच स्केल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना पीएच स्केल में एच प्लस साइन के बेस पे, दूसरा बोलेंगे पीएच प्लस पीओएच का सम 14 होता है, ये ध्यान रखना, किसी की पीएच और पीओएच का सम क्या रहेगा, 14 रहेगा। हम बोलेंगे 0 से 7 तक पीएच कम है, पीएच कम है तो एसिड ज्यादा है, ये देखो इसमें, इसमें देखो अगर पीएच कम है, अगर पीएच कम है तो एच प्लस ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो हम कहां शो करेंगे उसको, हम बोलेंगे ये तो क्या होगा अपना, ये तो क्या होगा एसिडिक होगा, अगर पीएच कम है तो एसिड होगा। अगर आप बात करेंगे किसकी, सेवन के आगे 14 तक, कहां से, सेवन से 14 तक, सेवन से थोड़ा ज्यादा, सेवन पर आप मान के चलेंगे क्या चीज, सर सेवन पे तो न्यूट्रल होता ना, हम लिखेंगे कि सेवन पर जो है वो न्यूट्रल है, सेवन पर पीएच की वैल्यू क्या आएगी, न्यूट्रल आएगी, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। सर इसके अलावा और बताओ हमें, जैसे कि आप को दे दिया गया एक NaCl दे दिया गया, मैंने नमक लिया बच्चों, और नमक देखते ही आपने बोला सर Cl आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, Na आया स्ट्रॉन्ग बेस से, क्योंकि ये NaCl बना कहां से है, HCl से, और HCl के साथ में NaOH से बना है, HCl और NaOH से, NaOH ने Na दिया, Cl ने Cl दिया एसिड ने, तो बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फाइट होगी एसिड और बेस में, फाइट होगी एसिड और बेस में, एसिड कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग हूं, बेस कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग हूं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों की फाइट होती है, एसिड कहेगा मैं यहां, एसिड यहां तक आ गई, ये कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग हूं, तो कहां आ जाएगी, तराजू बीच में आ जाएगी, और तराजू बीच में आ चुकी है, मिडल में आ चुकी है, तो ना तो एसिड की चलेगी ना बेस की चलेगी, मैच ड्रॉ हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, वो जो नमक का आप सॉल्यूशन कहेंगे, वो सॉल्यूशन NaCl, जो आपका NaCl का सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सर इस सॉल्यूशन में HCl ने भी जितने H+ दिए उतने ही NaOH ने OH नेगेटिव दिए हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाती है, OH आयन के इक्वल हो जाती है। इसका क्या मतलब है सर, बच्चों अगर H+ ज्यादा हो जाती ना H+ तो एसिडिक हो जाता, वो अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती तो बेसिक हो जाता। सर H+ की कब ज्यादा होती, अगर ये कोई सॉल्ट, वो सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता वीक बेस होता तो H+ की ज्यादा होती, स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो H+ ज्यादा होती, H+ ज्यादा होती तो एसिडिक सॉल्ट हो जाता। तो कैसे कहेंगे हम, इसको सामने देखो सर, एक सोल्ट है, सोल्ट का हमने टाइप लिख लिया, इधर सोल्ट का टाइप लिख लिया, इधर पीएच लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे पीएच लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे उस सोल्ट का टाइप, पीएच सोल्ट और सोल्ट का टाइप और उसकी पीएच, अब इधर लिखेंगे उसकी नेचर, इधर लिखेंगे नेचर। सर सोल्ट अगर फर्स्ट है, सोल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीएच 7 आएगी, पीएच 7 आएगी, और सर वो क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट होगा हमारा जब दोनों सोल्ट होंगे। दूसरा अगर आपका सोल्ट आए एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो इसकी चलेगी तो पीएच 7 से कम आएगी, तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी 7 से कम आएगी, पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगी, तो क्या कहेंगे, तो पीएच 7 से कम है तो वो सोल्ट एसिडिक सोल्ट हो जाएगा, आप इस टेबल को बना सकते हैं। तीसरा आप क्या कहेंगे सर, स्ट्रॉन्ग एसिड की बजाय अब की बार क्या ले लिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है ना सर, इसकी चलेगी और इसकी स्ट्रॉन्ग बेस पीएच 7 से ज्यादा आएगी, तो 7 से ज्यादा आएगी सॉल्यूशन की पीएच और सॉल्ट की पीएच, और सॉल्यूशन हो जाएगा या तो बेसिक कहेंगे या उसको अल्कली टाइप का कहेंगे, अल्कली सॉल्यूशन कहेंगे। अगर बच्चों आपका ये डाउट है सर वीक एसिड और वीक बेस आ जाएगा तो क्या कहेंगे, तो बच्चों आप नहीं निकाल सकते इसकी पीएच, वो डिपेंड करता है आपको वीक एसिड की कितनी क्या दे रखी है, कितनी अमाउंट दे रखी है, कितना वो टूटता है, क्योंकि दोनों के दोनों वीक हो गए ना, मैंने क्या कहा था वीक एसिड वीक बेस कंप्लीटली टूटते नहीं है, थोड़ा कम ब्रेकडाउन होंगे, उसकी अमाउंट पर उसके डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगा, वीक एसिड कम टूटेगा वीक बेस कम टूटेगा, जबकि यहां पे तो पता लग गया था
दोनों स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ब्रेकडाउन हो रहे थे, तो दोनों के हिसाब से न्यूट्रल। यहाँ पे हम वीक इसको नहीं देखा, हमने वीक बेस को नहीं देखा, हमें नहीं पता कितना टूट रहा है, हमें यह पता स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ज्यादा टूटेगा, 100% टूटेगा, तो इसलिए एसिडिक। यहाँ पे हम इसको नहीं देखा वीक एसिड को, हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखा, इसके हिसाब से था ये 100% टूटेगा तो बेसिक हो जाएगा। जबकि अब हम कंफ्यूज है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि वीक एसिड की माने या वीक बेस की माने, तो ये हम नहीं बता सकते। ये बताएंगे तो दो वैल्यू क्या क्या, एक तो बताना पड़ेगा सर इनकी कंसेंट्रेशन क्या है, वीक एसिड की अमाउंट ज्यादा है या वीक बेस की अमाउंट ज्यादा है। दूसरा डिपेंड करेगा ये किस पे, ये डिपेंड करेगा कि वीक एसिड कम टूटता है, वीक बेस कम टूटता है, दोनों में कम टूटता है, जो दोनों में कम टूटेगा उसकी कम चलेगी। दोनों वीक हैं, दोनों वीक में कौन पावरफुल है, मतलब क्या है सर, अंधों में काना राजा, अंधों में जो काना राजा होगा उसकी चलेगी, और दो बातें होगी कि कंसंट्रेशन। इसलिए ये आपका ये काम का नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, ये आपका काम का नहीं है। ये क्लास 11th में आता है, क्लास 11th में चैप्टर 7 में इक्विलिब्रियम में वो आता है, आपके 6th ईयर एग्रीकल्चर में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बताओ बच्चों क्या आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है, सोल्ट की नेचर का टॉपिक क्या आपके क्लियर है? मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूं वो कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, आपको कंसेप्ट आने चाहिए समझ में, आपको क्वेश्चन याद नहीं करने, आपको चैप्टर याद नहीं करना है, आपको समझना है और उसको बिल्कुल हल्के से सीख के फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, आपको कंसेप्ट सीखने। बताइए क्या आपका सोल्ट वाला ये जो पीएच का पैटर्न था ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलिए यस सर हमारा ये क्लियर है, वेरी गुड। ये बच्चे बता रहे, रिस्पांस दे रहे कि बच्चों का ये टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम बात अब पीएच की हमने कर ली, पीएच का स्केल बता दिया आपने, तो एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से दे रखा होगा आपको ये पीएच का, उसने कुछ इसको कैसे बना रखा है, कुछ थोड़ा सा उसने ऐसे बता रखा है कि यहां से हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ तो कह रहा है अगर ये वाला क्या है हमारा, ये वाला अगर 7 पे है, अगर ये 7 पे है तो इसको एसिडिक बोल दिया उसने और इसको बेसिक बोल दिया। देखो इधर अगर एसिड है तो उसमें एच प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसने इसको ऐसे दिखा एच प्लस ज्यादा है, यहाँ पे क्या एच प्लस क्या है उसकी, एच प्लस बहुत ज्यादा है। ये देखिए बिल्कुल लास्ट के एंड पे जहां पे मैं जीरो को छू रहा हूं, जीरो को मैं टच कर रहा हूं, जीरो वाली पोजिशन पर तो क्या बोलेंगे सर, एसिड भरा पड़ा है, एसिड ही एसिड भरा पड़ा है, ये देखो कंप्लीटली, ये कंप्लीटली एसिड है, कंप्लीटली। फिर हम क्या करें सर, ये जो बचा हुआ रहेगा ना, बचा हुआ कौन सा कलर, तो यहां पर देखें आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे में क्या कहेंगे सर, अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना तो सर हमारी OH की आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप देख रहे बच्चों यहां पे ये येलो कलर की स्ट्रेंथ जो रही है आगे कम हो रही है, उधर कॉर्नर पे पहुंचते लास्ट में तो बिल्कुल येलो कलर बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो ये जो येलो कलर है ये किसकी कंसंट्रेशन को बता रहा है, ये इस H+ आयन की कंसंट्रेशन, H+ बोले तो एसिडिक, धीरे-धीरे एसिडिक कम हो रहा है, तो येलो क्या आपका, ये येलो H+ है। दूसरा बना देते हैं आपका व्हाइट वाला क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का है, हाइड्रोक्साइड आयन का है, तो यहां पे ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, फिर धीरे-धीरे हाइड्रोक्साइड बढ़ रहा है, तो बताएंगे क्या कि ये हाइड्रोक्साइड जैसे-जैसे हाइड्रोक्साइड बढ़ता जाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा तो क्या कहेंगे उसकी पीएच बढ़ती जाएगी, हम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उसकी हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, पीएच बढ़ती जाएगी तो पीएच ज्यादा आएगी। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से और आपके कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर राइट में जाएंगे ना OH बढ़ रहा है, हमारा क्या हो रहा है OH बढ़ रहा है। अब इस OH के बढ़ने पे ये पीएच में आपने ये देखा होगा इधर 7 है, इधर कहीं ना कहीं 1 है, इधर कहीं ना कहीं 2 है बच्चों, इधर कहीं ना कहीं 10 है और इधर कहीं ना कहीं 14 आ जाता आपका। अब ये मैंने डाटा क्यों लिखा है, ये क्यों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, जो 1 जो आपका 1.2 है, 1.2 और जो 2.2 है, 1.2 ये आपके स्टमक में पेट में जो एसिड होता है उसकी पीएच का वैल्यू दे रखी है, स्टमक पीएच दे रखी है, जो 2.2 दिखाई दे रहा है ये 2.2 ये आपके लेमन की पीएच दे रखी है, नींबू की लेमन जूस की, जो 7 है ये वाटर है, प्योर पानी ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसमें प्योर पानी में आप वाटर देखेंगे पानी कैसे टूटेगा सर, पानी टूटेगा H+ में और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है दोनों की अमाउंट ज्यादा है, जितना H+ उतना OH नेगेटिव, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो सर ये क्या हो जाएगा, पानी जो होगा हमारा पानी वो न्यूट्रल होता है, पानी न्यूट्रल होता है, तो पानी के लिए पूछ सकता है न्यूट्रल कौन कौन होंगे, न्यूट्रल के दो एग्जाम्पल होंगे, एक तो सर हमारा पानी न्यूट्रल होगा और दूसरा वो सोल्ट होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, न्यूट्रल दो होंगे, एक तो पानी न्यूट्रल और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला वो न्यूट्रल होगा, तो पानी की पीएच हाथ होती है। फिर आता बच्चों 10 पीएच आ जाती है आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की
पीएच क्या होती है, वो 10 होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मैं यूज बताने वाला हूं। फिर 14 आ जाती है ये आपकी एनएएच या केएच, ये एनएएच केएच की स्ट्रॉन्ग बेस इधर है, इधर स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कॉर्नर पर आपका, इस कॉर्नर पर बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां ये वीक एसिड आ गया आपका, इधर क्या कहोगे ये वीक बेस है, और जो लास्ट में है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब हम स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, फिर वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से बढ़ रहे हैं। दोबारा बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड इधर है, स्ट्रॉन्ग बेस उधर है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, और वीक एसिड से वीक बेस, और वीक बेस से आगे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा, ये आपने देखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपोर्टेंस करते हैं पीएच की, हम हेडिंग डाल देते हैं इंपोर्टेंस, किसके इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, क्या इंपोर्टेंस है इसको मैं खड़े खड़े समझाता हूँ कैसे पीएच की इंपोर्टेंस है। ये हम खड़े, ये हमारा क्या माउथ है, माउथ में क्या टीथ है, दांत है, दांतों में हम खाना खा के सो जाते हैं रात को, अगर खाना खा के सो गए बिना कुल्ला के सो गए, बिना कोलगेट मंजन के सो गए, तो दांतों में जो टीथ में जो रात का खाना हुआ, खाया हुआ खाना, बिस्किट वगैरह या खाना, रोटी दाल खाई हुई, तो वो खाना, थोड़ा सा खाना हमारे कुल्ला करने के बाद में बच जाता है, माइन्यूट कम अमाउंट में दांतों के बीच में फंस जाता है, वहां पर रात को जब आप सोएंगे बैक्टीरिया आपकी दांतों के बीच में ग्रो करेंगे, वो बैक्टीरिया उस खाने को वो डाइजेस्ट करेंगे, और खाने को डाइजेस्ट करेंगे ना, आपके खाने में क्या है, शुगर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे बैक्टीरिया, सारी रात तोड़ेंगे, वो तोड़कर उसमें एसिड बनाएंगे, एसिड प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, और वो एसिड हमारे जो दांत है, दांत किसके बने हुए, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए, इनेमल के बने हुए, इनेमल आपका बायो का क्वेश्चन बन सकता है, बायो में इनेमल, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी पूरी बॉडी में इनेमल है, जो दांतों के ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग चढ़ी हुई है, ये जो चिप लगी व्हाइट कलर की दिख रही है आपको कवर, इसको क्या बोलते हैं, इस कैप को, व्हाइट कलर की कैप को बोलते हैं इनेमल, ENAMEL, ये इसकी इंपोर्टेंस में फर्स्ट आता है, फर्स्ट मॉड्यूल करा, फर्स्ट जो डिस्कस कराओ, टूथ डिके, क्या थी, टूथ डिके, दांतों का टूट खराब होना, दांतों का टूटना नहीं, घिसना, खराब होना, दांतों का पीलापन पड़ना, दांत क्या हो जाते हैं आपके, खराब हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं दांत, ये किस वजह से, रात को खाना खाया, वो खाना दांतों में रह गया, बैक्टीरिया आए, उस बैक्टीरिया, उस खाने को डाइजेस्ट किया, वहां पे बैक्टीरिया ने क्या किया, जो क्या फूड पार्टिकल थे टूथ के अंदर, दांतों के अंदर जो फूड पार्टिकल थे, उस फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया आए, उस फूड पार्टिकल पर कौन आए, बैक्टीरिया आए, और बैक्टीरिया ने इस फूड पार्टिकल को क्या किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद में क्या निकाला, इसमें से निकला एसिड, और एसिड क्या करेगा, हमारे इनेमल को, हमारे दांतों को, इनेमल, इनेमल कहां होता है, इनेमल टूथ का पार्ट होता है, उस इनेमल को क्या करेगा, डीके करेगा, तो हम बोलते हैं टूथ डीके, ये पीएच की इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपोर्टेंस हुई, पीएच की वैल्यू माउथ में घट जाएगी, क्यों घट जाएगी, क्योंकि एसिड बन रहा है, माउथ में एसिड बनेगा तो पीएच वैल्यू, तो पूछ सकते हैं टूथ डीके में पीएच क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, पीएच वैल्यू डिक्रीज क्यों हुई, किसके कारण हुई, तो हम बता सकते हैं टैग कि सर ये जो एसिड बना ना, इसकी वजह से पीएच की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या आती है, हम आते हैं फिर सेकंड, ये दांतों से हम पेट पे आते हैं, स्टमक में आते हैं, स्टमक में हमारे एचसीएल बनता है, आपको पता होगा स्टमक में गैस्ट्रिक सेल होती है, वो गैस्ट्रिक सेल HCl रिलीज करती हैं, वो HCl क्या काम आता है, एक तो जो आप फूड खा रहे हैं वो फूड का बोलस बन रहा है, यहाँ पे निकल के फूड निकल के खाते हैं, वो बोलस गोल गोल जाता है, वो बोलस बन के नीचे जाता है, उस बोलस को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर यूं कहिए हमारे माउथ में फूड के अंदर कंटेमिनेटेड कुछ मिक्स, कुछ इंप्योरिटी, कुछ बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी में चले गए, माइक्रोब्स चले गए माउथ के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, अब वो पेट में गए, पेट में HCl है, वो HCl क्या है, एक तरह से बोलेंगे तेजाब है, जल रहा है, वो एसिड उस फूड को भी ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, फूड को जलाएगा, उसको तोड़ेगा, और दूसरा बैक्टीरिया को या जो बाहर से आ रहे हैं आपके माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको किल करने का, आपकी बॉडी को बचाने का काम करेगा, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिक पीएच इन स्टमक हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सर एसिडिक पीएच इन स्टमक, ये क्या काम करता है सर, ये दो काम करता है, एक तो फूड को डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन हेल्प करता है, और दूसरा सर दूसरा हमें क्या करेगा, किल्स दी माइक्रोब, माइक्रोब्स को जो खाने पीने में या वैसे आपके माउथ के द्वारा चले गए उनको किल करने का, मारने का काम करता है, ये किसके दूसरी इंपोर्टेंस पड़ी, आपने पहले इंपोर्टेंस देखी पीएच की, दांतों में, मुंह में, फिर पेट में, फिर आप नीचे खड़े पांव हैं आपके नीचे सोयल में, तो क्या बोलेंगे आपकी थर्ड है वो क्या है, सोयल इंपोर्टेंस है, सोयल में क्या चीज है, सोयल, अगर सोयल की पीएच क्यों मैटर करती है, सोयल की पीएच क्योंकि बच्चों तुम्हें पता
प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स पीएच पे डिपेंड करते हैं, किसी एरिया में एसिडिक पीएच होती है वहां एसिडिक वाले प्लांट ग्रो करेंगे, किसी एरिया में पीएच क्या होती है बेसिक होती है वहां उस हिसाब से प्लांट ग्रो करेंगे। तो सोइल पीएच क्या मैटर करती है, प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट्स ग्रोथ या फिर आपकी प्लांट्स की वेजिटेशन अलग अलग मिलेगी। वेजिटेशन डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगी, वेजिटेशन जो प्लांट्स की डिपेंड ऑन दी पीएच ऑफ सोइल। जब बच्चों आप एचयूयू में एग्रीकल्चर में सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको सोइल की पीएच निकलवाएंगे, पानी टेस्ट करने के लिए आपको सिखाएंगे, आपको सोइल का टेस्ट करना सिखाएंगे। मैं एचयूयू में हूं और वहां पे बच्चे देखते हैं क्या सीखते हैं, वो मिट्टी का टेस्ट करते हैं, वो मिट्टी में एसिडिक में है बेसिक है या इस प्लांट को आप देखेंगे अलग अलग प्लांट पर जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये प्लांट तो ना हमारा, इसको बेसिक पीएच चाहिए, जबकि हिसार के अंदर क्या हम बोल सकते हैं कि ज्यादा बेसिक है, ये प्लांट थोड़ी कम बेसिक में ग्रो करेगा, तो हम उस टाइप की मिट्टी थोड़ी उसमें उस टाइप की ऐड करेंगे अलग अलग प्लांट के हिसाब से। तभी बोलते हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग प्लांट वेजिटेशन डाइवर्सिटी अलग अलग मिलेगी, क्यों, क्योंकि पीएच किसकी, सर सोयल की पीएच। नेक्स्ट बच्चों आप बात करेंगे किसकी, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स की कैसे, एनिमल्स की अब पूरा ऑर्गेनिज्म गया, ये क्या हो गया टूथ हो गए, फिर स्टमक हो गया, फिर सोयल की पीएच होगी, फिर क्या बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम पूरे ऑर्गेनिज्म की, पूरी बॉडी की, यानी कि पूरी बॉडी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए। तो एक रोल कहां आता है, सेल्फ डिफेंस में आता है। सेल्फ डिफेंस में क्या कहोगे, सेल्फ डिफेंस में कुछ प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं आप उनको छूओगे तो आपको क्या होगा, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, रेडिश हो जाएगा, आपको एलर्जी हो जाएगी, ऐसे प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा ना नीटल, आपने एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका, नीटल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, ये पूछा जाता है बच्चों कई बार, मिथेनोइक एसिड होता है। दूसरा एनिमल्स का भी एग्जाम पूछ लेता है, एनिमल्स जैसे कि बच्चों एनिमल्स कैसे होता है, आपका आंट होती है, चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, वो आपको काट देती है, काटने के बाद में उस मधुमक्खी के अंदर एसिड होता है, वो मधुमक्खी के एसिड यही एसिड है फॉर्मिक एसिड, बीसी का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो एसिड अगर मधुमक्खी ने आपको काटा आपके अंदर क्या चला गया, एसिड चला गया, अगर फिंगर में हाथ में आपके क्या चला गया, एसिड चला गया, वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड वहां पर लालिमा यानी कि रेडिश हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, आपको ईचिंग होगी, तो क्या करेंगे आप सोचेंगे यार एसिड चला गया अंदर, तो मैं क्या करता हूं, मैं बेस लेता हूं थोड़ा, अगर आपने बेस लिया आप बेस लेंगे कोलगेट, आपको जहां पर मक्खी ने काटा है वहां पर आप कोलगेट लगा लीजिएगा, कोलगेट क्या करेगी, कोलगेट बेस का काम करेगी, एसिड बेस में रिएक्शन होगा, एसिड को इफेक्ट को नलीफाई करेगा, नेगलेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट को कम करेगा, तो जब भी मक्खी काटेगी तो हम क्या करेंगे, आंट के काटने पर, चींटी के काटने पर आप क्या लगाएंगे, आप कुछ चीजें का यूज कर सकते हैं, नंबर वन क्या यूज कर सकते हैं, आप कोलगेट यूज कर सकते हैं, कोलगेट में बेस हो सकता है, आप सोप लगा सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं, तीसरा आप आयरन लोहे की रोड लगा सकते हैं, उस रोड को रब करेंगे, लोहे की रोड मेटल है और मेटल बेसिक नेचर से होती है और जहां पर मक्खी ने काटा वहां पे आप, या फिर ओनियन कर सकते हैं आप, ओनियन भी क्या होता है बेसिक, उसमें बेस मिलता है, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिड है और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे बेसिक है, जिस बेसिक की वजह से हम बोल सकते हैं सर ये इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कई बार बच्चों क्या, कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में जो आपने पीछे देखा, हमारे स्टमक में पीएच, हमारे स्टमक में इनडाइजेशन की वजह से हम लिख सकते हैं कई बार इनडाइजेशन की वजह से जो एचसीएल की अमाउंट है, एचसीएल की अमाउंट बढ़ जाएगी तो बोलेंगे यार एसिडिटी होगी, मेरे को तेजाब बन गया, अरे ये एसिडी तो है एचसीएल, एसिडी है, एसिड बढ़ गया है तो सबकी बॉडी में प्रेजेंट, कई बार उस लिमिट से, उस रेंज से ज्यादा हो जाता है तो बोलेंगे यार एसिड हो गया, तेजाब हो गया, खट्टा हो रहा है, तो खट्टा एसिड सॉरी और एग्जांपल के लिए एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस रिएक्शन करवाएंगे, एचसीएल ज्यादा बढ़ गया तुम्हारी बॉडी में, आप बेस लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों यूज करते हैं, कि ताकि हमें उस एसिडिटी से क्या मिले, रिलीफ मिले, एसिडिटी से रिलीफ मिले, ये आपने देखा। इसके अलावा और हम क्या देखते हैं, एक होता आपका क्या चीज होता है, एक होता बच्चों आपका, नेक्स्ट हम कर सकते हैं एसिड की इंपोर्टेंस में, पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे एसिड रेन। सर ये कैसे होती है, देखो इधर एसिड रेन, लास्ट टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल एक्टिव हो गए, यस सर। सर ये क्या होती है, मान लो ये गाड़ी आपकी, ये गाड़ी है बच्चों, बहुत सुंदर गाड़ी बनाई मैंने, ये गाड़ी
गाड़ी है, अगर ये गाड़ी है बच्चों, इस गाड़ी में क्या, ये गाड़ी से क्या निकल रहा है, इस गाड़ी से धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल गया। अब धुएं में क्या होता है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल है उसको फूंक रहे, उसको फूंक एनर्जी ले रहे, लकड़ी है कोयला है कपड़ा है तुमको फूंक रहे, फूंकने के बाद एनर्जी ले रहे, वो एनर्जी जो आप ले रहे उससे गाड़ी चल रही है। इसके साथ में जो चीजें कंप्लीट जल गई उससे तो वो इंजन गाड़ी चल गई, उससे तो गाड़ी चल गई जो आपने ली ये चीज ली है, ठीक है। जबकि आप दूसरा क्या बताइए सर, दूसरा जो चीज नहीं चली अनबर्नड है जो बच गई, जो धुआं निकलता है इसमें कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है, ये ऑक्साइड निकलेंगे क्योंकि किसी चीज को बर्न करते हैं, पता है ना तुम्हें, कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारा तेल होता है पेट्रोल डीजल जो हमारे फ्यूल होते हैं उस फ्यूल के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर है। जब इनकी बर्निंग होगी, जब ये जलेंगे बच्चों, जब जलकर जब ये गाड़ी में से जलकर बाहर निकलेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब पढ़ते भी हो फैक्ट्री इंडस्ट्री कार ऑटोमोबाइल सब CO2 गैस निकाल रहे हैं, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमें इनकी फैक्ट्री को अमाउंट को कम करना पड़ेगा, CO2 को कम करना पड़ेगा, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ये क्या होगा, इसका नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा और हमारा सल्फर का ऑक्साइड होगा, या हम कह सकते हैं इसका CO भी बन जाता है, इसका NO3 भी बन जाता है और इसका SO3 भी बन जाता है, ये अलग अलग टाइप के सल्फर ऑक्साइड बन जाते हैं। क्या बता सकते हो ये किस टाइप की नेचर है सर, कार्बन सर नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉन मेटल का ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये सारे के सारे सर हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड मैंने बताया, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड उसके अंदर OH सारे एसिडिक नेचर के होते हैं सर, ये सारे एसिडिक नेचर के। अच्छा बच्चों ये अगर एसिडिक नेचर के तो ये एसिड ऊपर जा रहे हैं हवा में, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे क्लाउड्स में बादलों में, और जब ऊपर से बारिश होगी, मान लेते ये क्लाउड था आपका, इस क्लाउड में क्या है, ये वाटर, ये बारिश होगी झिमझिम, ये वर्षा आ रही है, अगर नीचे वर्षा आएगी तो वर्षा में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, पानी आएगा, नीचे वाटर आएगा, नीचे क्या आएगा, हटू आएगा, पानी आया वाटर आया हटू आया, ये तीनों एक ही बात है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में CO2 घोल रहे हैं, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करें तो आप क्या कहेंगे, सर मैं है ना H2CO3 बना रहा हूं कार्बोनिक एसिड, सर सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड के वाटर को पानी में घोल डिजोल्व करेंगे, सल्फर के ऑक्साइड को पानी में, सर H2SO4 क्या बनेगा, सर H2SO4 बनेगा। अगर बच्चों ये ऑक्साइड बनेंगे ना, अगर ये ऑक्साइड बनेंगे तो क्या कहेंगे, सर ये ऑक्साइड को पानी में, एसिड बन गया ना सर ये एसिड, ओके। इसका मतलब सर जो धुआं गाड़ी में से ही निकल के ऊपर धुआं गया, धुआं नीचे से ऊपर जा रहा है, ये धुआं या ऊपर जा रहा है सर, ऊपर से ये धुएं में क्या मिक्स हो रहा, पानी, और ये मिक्स हो गया सर, ये बन गया, ये फाइनल, ये इनसे बना धुआं, धुआं नॉन मेटल ऑक्साइड पानी वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड धुआं पानी वाटर, स्मोक वाटर मिक्स होके एसिड बना ली सर ये, और फिर ये बारिश होगी ना सर, ये बारिश अभी नीचे नहीं पहुंचे सर, नीचे पहुंचेगी तो सर ये मिक्स होके आएगा, मिक्स होके इसको बोलेंगे एसिडिक रेन, ये क्या बोलेंगे एसिडिक रेन, ये इस बारिश के पानी में एसिड आ रहा है सर, ये बारिश का पानी नीचे आएगा सर, जो इन्वर्टर होता है ना इन्वर्टर, इन्वर्टर में एसिड भरते हैं, बारिश का पानी डालते हैं, वो इन्वर्टर जब लाते हैं ना उस इन्वर्टर में एसिड होता है H2SO4, और H2SO4 उसका होना जरूरी है, हम तभी तो बोलते हैं कि इसमें नॉर्मल पानी के बजाय तुम बारिश का पानी डालो, बारिश के पानी में H2SO4, ये रहा H2SO4, बारिश के पानी में एसिडिक होता है तो इन्वर्टर में उस पानी को यूज कर लेते हैं, ये तो हमारा फायदा होगा, हम ह्यूमन है ना, आदमी बेईमान है तो इसने क्या ढूंढ लिया, फायदा निकला, लेकिन नुकसान में होता है, पेड़ों पे पेड़ क्या होगा, गल जाएंगे, पेड़ पे बारिश गिरी, पेड़ के पत्ते काले पड़े, आप देख रहे हो जो ताजमहल कलर व्हाइट था, व्हाइट से क्या हो गया येलो, येलो से ग्रे और ग्रे से ब्लैक, मतलब ताजमहल का कलर का क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है, तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है किसके, एसिड रेन के। आपको एसिड इफेक्ट का, एसिड रेन का ये इफेक्ट समझ में आएगा, बोलिए आपको पीएच की इंपोर्टेंस समझ में आएगा, चैट बॉक्स में डाल दिया, आप बताते रहा करो चैट बॉक्स में आपको कैसा समझ में आ रहा है, आज का लेक्चर में पीएच इंपोर्टेंस पढ़ाई मैंने, पूरा रिवाइज करवाया अच्छे से, और कोई डाउट डाउट भी बोला करो आप, ठीक है बच्चों। एक बार बताइए आपने क्या सीखा, पीएच की इंपोर्टेंस सीखी है, ये आज के टॉपिक में क्या, आज के टॉपिक में हमने सीखा वो, एक तो एसिड बेस उनमें डिफरेंस सीखा, एसिड की रिएक्शन हमने अलग अलग से करवाई, इसमें कुछ ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, इसमें एक आज का जो ऐड करना रहेगा वो क्या ऐड करना रहेगा था वो देखिए, आपने जो किया इसमें ये एसिड की रिएक्शन हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में, और बेस की रिएक्शन किसके साथ में, हम लिख लेंगे यहां पे एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में, ये रह गई थी ये पहले कल करवाई थी, तो आप यहां क्या लिखेंगे, यहां बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट के बेस पे आपका चैप्टर तैयार है,
ये आपके कंसेप्ट तैयार है, इस तरह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। आपने देखा क्या पीएच बताया, पीएच के बाद में उसका स्केल बताया, उस स्केल के बाद में आपने बोला कि पीएच के सोल्ट के नेचर कैसे बताएंगे, फिर आपने इस पीएच के स्केल को एक साथ पढ़ा, फिर आपने पीएच की इंपोर्टेंस देखी, टूथ डिक के देखा, एसिडिक पीएच देखी, आपने बताया सोयल पीएच के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया, और फिर इसके बाद में आपका लास्ट में आते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ एसिड आपको मिलेंगे, किसके अंदर मिलेंगे, प्लांट्स एनिमल्स के अंदर मिलेंगे जो कि नेचुरली मिलते हैं, उन एसिड के आप नाम लिख लीजिएगा, कौन कौन से एसिड होते हैं, विनेगर में क्या मिलता है, आप लिखेंगे विनेगर में तो आप लिख सकते हैं एसिड्स प्रेजेंट इन नेचुरल में, तो विनेगर में आपका कौन सा एसिड होता है, आपको पता है सर विनेगर में हमारा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये लास्ट टॉपिक है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टोमेटो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम टोमेटो बताएंगे और टोमेटो में बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, मैं चैट बॉक्स आपकी पढ़ रहा हूं, टोमेटो में भी ऑक्सैलिक एसिड, ये आपने किया, टोमेटो देखा आपने, ऑक्सैलिक एसिड बताया, टैमरिंड बताया आपने, टैमरिंड के अंदर ये क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टैमरिंड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, और क्या क्या प्रेजेंट है सर, और हमारे प्रेजेंट है टैमरिंड के अलावा हमारा ऑरेंज, ऑरेंज हो या लेमन हो, ऑरेंज हो लेमन हो, जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है अपना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड होता है, और बच्चों इसमें होता है जो कर्ड होता है ना, कर्ड जो दही बनती है, दही के अंदर क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड होता है, और ये बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, और क्या कहेंगे, और आपका ये बताया आंट स्टिंग जो मैंने चींटी बताई थी उसने काटा था, उसमें फॉर्मिक एसिड बताया आपने, ये आंट स्टिंग पीछे बताया था, और एक था आपका नीटल वाला, नीटल स्टिंग जो नीटल प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, ये प्लांट है, ये आंट क्या थी, ये एनिमल थी, और ये उनके क्या थे, ऑर्गेनिज्म का, ये सेल्फ डिफेंस में काम आता है, और सेल्फ डिफेंस क्या है, सेल्फ डिफेंस एक पीएच का इंपोर्टेंस है, ये पीएच की इंपोर्टेंस के अंदर मैंने बताया था, पीएच की इंपोर्टेंस में ये और इस तरह से ये दो, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर आपको इसका मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ये कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्यों है, और ये आपसे कई बार क्या करता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर का आज का टॉपिक था, एक बार मेरे को बताइएगा कोई डाउट है तो डाउट बताओ, कहां पे कैसा टॉपिक लगा, कितना समझ में आया, कितना आपके अंदर डिफरेंस लग रहा है, कितना आपको क्या लग रहा है कि सर मेरा कितना पहले से फर्क आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में बताते चला करो, आप बताओ चैट बॉक्स में यस सर क्लियर है, आपके दो टॉपिक क्लियर है, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर कवर हो चुका है, लास्ट रहता है आपका सोल्ट, आपको कल सोल्ट पढ़ाऊंगा, एक बार चैट बॉक्स में बच्चों मेंशन कर दीजिएगा कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, पढ़ रहे की टीम कैसी लग रही है, पढ़ रही फैकल्टी कैसा पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ रही आपका कितना सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन में आपको लग तो नहीं रहा कि हम ऑफलाइन, हमें लग तो नहीं रहा कि आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि सर ऑनलाइन में कम समझ में आ रहा है, आप डाउट लिया करो, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लेंगे यस सर ऑल इज क्लियर, अभी तक का जितना हुआ है ऑल इज क्लियर। ठीक है बच्चों, एक बार तन्नू रमन जोगिंदर नवनीत अभिनव सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे यस सर ऑल इज क्लियर, गुड नाइट, ओके the best। ठीक है सर, कितनी बनी सर,